हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरे भी कुछ काम फैले हुए हैं, बेडशीट वगैरह सारा घर फैला हुआ है, बस अभी चाय हुआ है हमारा, बाकी मैं सारा घर अभी समेटूंगी। अभी मैंने म्यूजिक प्ले कर रखा है, गाना सुनते सुनते मैं करूंगी सारे काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिन। और आज पतिदेव को जाना है कहाँ, वो मैं आप लोगों को बताऊँ। पराठे सीख रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं और उन लोग के लिए भी मैंने पनीर पराठा बनाया हुआ था और उसी की फीलिंग थी। तो यहाँ पे हम लोग के लिए भी मैं नाश्ते के लिए पराठे सेक ले रही हूँ, फिर हम लोग अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर करनी है पतिदेव की पैकिंग, मतलब बैग पैक, जो कि उन्हें आज जाना है। तो चलिए पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं बातें करती हूँ। रात पति देव का ब्रेकफास्ट। चलिए जी, अच्छा अभी उस पर से उतारे फिर उस पर रख भी रहे हैं। चलिए लेके चलती हूँ, दिन में अपना भी लेकर माल दे रहा है। यस, हमारे साइड मालदे और यहाँ पे लंगड़ा, लेकिन बट बहुत अजीब सा है, मतलब उतार। और यहाँ पे अभी हम दोनों आदमी बैठ के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो वही चटनी है पराठा और उसके साथ मैंने आम भी ले लिया था, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। एक्चुअली फेवरेट तो बहुत लोगों का होता है आम, और मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, यानी हमारे घर में सबको ही पसंद है। तो अब यहाँ पे पतिदेव के साथ मैं बैठ के कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, फिर तो साथ में बैठ के एक सप्ताह बाद ही खाएँगे क्योंकि 1 वीक के लिए जा रहे हैं। तो फिर भी अभी चलिए, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं सूटकेस निकाल रही हूँ हस्बैंड जी के लिए और करनी है उनका बैग पैक। तो नॉर्मली वो अपना खुद पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना था, थोड़ा बहुत। तो मैं बोली कि लाइए मैं कर देती हूँ, और क्योंकि आज ही निकलना है। नाश्ता वगैरह होने के बाद पतिदेव की पैकिंग सैकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल अभी पेपर वर्क हो रहा है, पैकिंग सब अभी होगा। धीरे 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 सब सूटकेस वगैरह मैंने निकाल के रख दिया हुआ है, कपड़े भी सब एक जगह हो रखे हुए हैं, बस सब पैकिंग करना है। सामीन की है ट्रेन, दिन 1 वीक के लिए बच्चों को मैं अकेले ही संभालूंगी। देखते हैं कैसे मैनेज होता है सब कुछ, आप लोग का साथ रहेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए करा देते हैं फटाफट से। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनकी पैकिंग, तो ज़्यादा बड़ा सूटकेस नहीं, छोटा सूटकेस है, क्योंकि ज़्यादा इन्हें लेके जाना नहीं है कपड़े, 1 वीक के लिए ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा संतुष्ट है कि चलो 1 वीक के लिए, ऐसे चार्ज तो उनका वहीं का है, बट फेसलेस है तो वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, बट कभी कभी जब काम रहेगा ज़्यादा तो इन्हें जाना रहेगा, तो अभी फ़िलहाल ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। सो चलिए फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं और उसके बाद करनी है बाकी सारे काम। आज का पूरा दिन मेरा इसी तरीके से निकलने वाला है, क्योंकि फिर इन्हें टिफ़िन भी बना के दूंगी कुछ ट्रेन के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 आवर्स का जर्नी है, तो शाम में ट्रेन है, तो फिर इन्हें डिनर बना के देना है मुझे।
तो यहाँ पे इनकी पैकिंग हो गई पूरी। तो अभी चलिए चलेंगे किचन में हम लोग। और अभी आ गई मैं यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे मेरी चॉपिंग शुरू हो गई है, साथ ही मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया था ताकि काम पता ही नहीं चले, करते करते टाइम निकल जाए। तो यहाँ पे चॉपिंग मेरी हो रही है और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, लंच भी बनानी है प्लस उसके साथ साथ मुझे इनके टिफ़िन के लिए भी बनाना है। तो फिर बीच में पति देव का फरमाइश आ गया था कि थोड़ा मिल्क शेक बना दो, मैंगो मिल्क शेक। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं, फिर 1 वीक कहाँ ही इनको मिल पाएगा। तभी मैंने यहाँ आम का छिलका निकाल लिया, अभी उसका मैं पल्प निकाल ले रही हूँ और कंटेनर में मैं डाल दी हूँ मलाई वाली दूध और बस उसमें सारे पल्प डाल दिए मैंने कट करके। और इसमें बस मैं डाल दूँगी शक्कर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में वही मैं काजू डालती हूँ, बादाम थोड़े मुँह में आते हैं ना तो इस वजह से मुझे अच्छे नहीं लगते इसमें। तो मैंने बना दिया है क्या बोलते हैं मैंगो शेक। अभी मैं जार निकाल ले रही हूँ और ग्लास में पोर करूँगी। मैंने उसके साथ ही ना सोची कि चलो तब तक गोभी जो है ना उसे छोंक देती हूँ, क्योंकि ये मैं लंच के लिए बना रही थी गोभी की थोड़ी सी हल्की मसाले वाली सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इनके ट्रेन के लिए खाना, यानी हमारे लिए भी डिनर के लिए सब्ज़ी हो जाएगा और बाकी इनके लिए मैं बना दूँगी। तो दाल और चावल मेरी बन चुकी है, यहाँ पे रेडी हो गया है मैंगो मिल्क शेक। और भी चलिए हस्बैंड को दे देते हैं और मैं भी ले लेती हूँ, बच्चे तो फ़िलहाल स्कूल में हैं। और थोड़ा सा मैं इस तरीके से गार्निश कर दे रही हूँ। सो रेडी हो गया है हमारा मैंगो मिल्क शेक और अभी हम लोग बैठ के ले रहे हैं। तो मैं कुकिंग करते करते बस बैठ के शेक भी पी रही हूँ, कुछ बातें भी कर रही हूँ। इसी तरीके से मेरा पूरा दिन आज काम में निकलने वाला है। तो यहाँ पे है गोभी की सब्ज़ी, अभी रेडी हो चुकी है तो इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बस यहाँ पे देखिए गोभी रेडी हो गई है मेरी, मैं चेक कर ले रही हूँ। और अभी मैं उसी पैन में क्या फिर से ऑयल ले ली हूँ और ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और पनीर को मैं इसी में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से बनानी है पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो पनीर है वो फ्राई हो गई है तो इसे मैं भी प्लेट में निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं पनीर की सब्ज़ी भी बना लूँगी। और यहाँ पे पनीर मैं प्लेट में बाहर निकाल ले रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने साइड में कर दिया हुआ है ताकि इसी में मैं और ज़्यादा ऑयल डाल के और तड़का डाल के और सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तड़के में जीरा, खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता, फिर मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में प्याज कट कर लिया था वो मैं डाल दे रही हूँ। और फिर हमें प्याज को अच्छे से सौते कर लेना है। तो प्याज जब तक कि पूरी नहीं गल जाएगी तब मैं, जब पूरी गल जाएगी फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी क्योंकि आज मैं प्याज को बहुत भूनने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज में ना नमक डाल दी हूँ ताकि प्याज इससे जल्दी पक जाता है, जल्दी गलने लगता है। तो यहाँ देखिए प्याज जो है बहुत अच्छी तरीके से भून गया है और फिर मैं इसे बहुत अच्छे से मैश कर करके और इसे फ्राई कर रही हूँ। फिर मैंने सारे मसाले का ना लिक्विड बना लिया था एक ही साथ और वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और जैसे हल्का सा मसाला भून जाएगा, मतलब भून के क्या जस्ट मैंने मिक्स किया और उसके साथ ही मैं जो पेस्ट तैयार करके रखी थी अदरक लहसुन और टमाटर का वो मैंने डाल दिया है। और फिर इसी के साथ साथ मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है और बाकी के बचे हुए नमक जो है वो मैं मसाले में डाल दूंगी। तो यह मसाला जो है हमारा भून गया है थोड़ा, और अभी मसाले भून गए हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा मुझे ग्रेवी वाली बनानी है तो जैसे ही हल्का सा पनीर के साथ भून जाएगा मसाला तो फिर मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी। तो उसमें ऑयल लगा हुआ था ना तो मैंने हल्का सा पानी डाल के और फिर वो डाला है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और पानी डाल दिया, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना है ऐसा कि थिक रहे। और बस हमें इसे ढक देना है और बॉयल आने तक फिर मैं इसे पका लूँगी। मेरे पास हरी धनिया ख़त्म हो गई है तो मैंने नहीं डाला हुआ था। सो अभी कुकिंग ऑलमोस्ट हो गया मेरा, बस मुझे पराठे सेकने हैं पति देव का टिफ़िन पैक करने के लिए। तो मैं पराठे सेकूँगी, अभी मैं जा रही हूँ बाथिंग, बाथिंग से आऊँगी उसके बाद मैं पराठे सेकूँगी। तब तक बच्चे भी आ गए हैं और वो गए बच्चों के स्कूल, थोड़ा बहुत काम था बच्चों के स्कूल में जो उन लोगों का नोट्स बुक वगैरह था ना वो सारे सबमिट्स करने थे। तो पतिदेव गए उनके बच्चों के स्कूल। चलिए सो फटाफट मैं नहा के आती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिफ़िन पैक रास्ते के लिए, मतलब ट्रेन के लिए पतिदेव को देने के लिए। तो मैं इसमें पनीर की सब्ज़ी डाल दे रही हूँ, फिर मैं टिफ़िन में डालूँगी पराठे और उसी के साथ मैंने ना थोड़ा सा चावल में रख दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और रैपर, फूड रैपर, और उसी में मैं डाल दी हूँ पराठे। पराठे के साथ मैं थोड़ा सा चावल डाल दूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ा सा चावल डाल देना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा भूख नहीं था और मैंने चावल जो है बना दिया था तो वो ना थोड़ा ही लंच किए हुए थे, तो मैंने बोले थे कि थोड़ा सा टिफ़िन में भी डाल देना। तो वही मैं थोड़ा सा हाथ से मैश करके और फिर टिफ़िन में डाल रही हूँ, क्योंकि ना वो थोड़ा सा प्रेशर कुकर के सेप का हो गया था चावल, तो मैंने बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही चावल डाला हुआ था। तो यहाँ पे जो है टिफ़िन इनका फटाक से पैक हो गया, मतलब पैक ही हो गया है, और जल्दी से मैं पैक करके दे दे रही हूँ। नहा के आई, उसके बाद सीधे मैं किचन में फिर से आ गई थी। फटाफट से पराठे वगैरह लगाया मैंने और वही मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और अभी क्या है कि बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो उन लोगों में लग गई थी, क्योंकि उन लोगों को मैंने लंच वगैरह दिया करने के लिए, हस्बैंड को लंच दिया करने के लिए, वो लंच कर लिए हैं, बस उन्हें थोड़ी देर में ही निकलना है। और आज का दिन मेरा कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। सभी यहाँ पे पतिदेव रेडी हो चुके हैं, मतलब हस्बैंड रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, बच्चे आके अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं, थोड़ी देर में बस ये निकलेंगे और टिफिन वगैरह सब कुछ पैक हो गया। यहाँ देखिए, अभी रुक जाए बेटा, पापा को जल्दी कर लेंगे, तो प्रे करना, बस थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अरे श्रेयांश रो रहा है, पापा जा रहे हैं, तो सुगु सुगु हैवी है बेटा, श्रेयांश डोंट क्राई बेटा, श्रेयांश यार मेरा रोने लगा था पापा जब गए हैं तो, है ना। जस्ट अभी मैं भी नीचे से आई, लिटरली आज पता नहीं ऑटो वाले को क्या हो गया, ऑटो कैब जल्दी कुछ बुक ही नहीं हो रहा है। अभी वो गए आगे, आई होप ऑटो मिल गया हो। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, बहुत थक भी गई हूँ, पैर इतना दर्द कर रहा है, कमर में भी दर्द हो गया। मैं खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। अभी हो गया डिनर का टाइम, बच्चे खा लिए हैं, मैं अपना डिनर लेके आ गई हूँ, तो रोटी चावल सब्जी चटनी, तो ये है आज का मेरा डिनर। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे आप लोग कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कैसे आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस रेसिपी पे चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। एंड टिल बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।